हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे मिराज कैसे बनता है। मिराज फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में मिराज एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। मिराज जो बनता है, मेन कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण होगा। लास्ट टाइम मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा एक बार जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होती है ऑप्टिकल इल्यूजन में। जब हम पास जाते हैं, जैसे आपने रोड पर कभी देखा होगा कि जब दूर से देखते हैं तो हमें पानी दिखाई देता है, एक्चुअल में ये होता है। जैसे जैसे पास जाएंगे, खासकर गर्मी के समय में ऐसा होता है, गर्मी के समय में जब आप रोड के पास जाएंगे, अब जैसे आप पास जाएंगे तो वो इल्यूजन खत्म होते जाएगा। दूर से आप दिखाएगा पानी है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाएंगे वैसे वैसे पानी खत्म होते जाएगा। सेम कंडीशन रेगिस्तान में होता है, रेगिस्तान में बलुई मिट्टी होती है, वहाँ की हवाएं गर्म होती है। जब आप दूर से देखोगे हमें किसी प्लांट का, किसी पेड़ का परछाई दिखाई देगा, लेकिन जब हम पास जाएंगे तो वो इल्यूजन खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। सब देखो, मैंने यहाँ कोई प्लांट बना दिया, ठीक है, ये डेजर्ट वाला एरिया हो गया, काफ़ी गर्म होता है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर ले लेता हूँ ताकि वो भी तो देखे कि दूर से पानी है दिखाई देगा या परछाई दिखाई देगा। तो इस डेजर्ट वाले, ये डेजर्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो उसे ये लगेगा कि परछाई बन रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, तो रेगिस्तान के जो ऊपर वाली मिट्टी होती है काफ़ी गर्म होती है, गर्मी के समय में खासकर देखा काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो ऑब्वियसली उसके जो आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स होगा वो काफ़ी गर्म होगा। तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ गर्म होता है, लाइक गैस गर्म होता है तो वो एक्सपेंड करेगा, दूर भागेगा। तो दूर भागने का मतलब ये होगा कि वो मीडियम जो होगा वो रेयर हो जाएगा, मतलब विरल माध्यम कह सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, लेयर से ऊपर जाएंगे हम, तो हवाएं गर्म से बल्कि ठंडी होती जाएगी। इट मींस कि जो हवाएं हैं वो पास पास आ जाएगी, ठंडा होने पे पास पास आते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो एयर मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, इसका मतलब वो डेंसर मीडियम बनना शुरू हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं लेयर में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट लेयर जहाँ का मीडियम ज़्यादा ही रेयर हो जाएगा, ऊपर जाएंगे मीडियम और ज़्यादा थोड़ा सा डेंसर होगा, नीचे के कंपेरिजन में ऊपर में डेंसर होगा, और ऊपर जाएंगे और ज़्यादा डेंसर होगा, और ऊपर जाएंगे और डेंसर होगा। चलो हमने एयर मॉलिक्यूल अलग अलग लेयर्स में बांट दे, एयर के लेयर्स को बांट दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा कि हमें ये लगता है कि इसका परछाई बनता है नीचे, वो एक्चुअल में होता कैसे बता रहा हूँ। रे ऑफ लाइट अगर सन से डायरेक्ट आ रही है ना, कहाँ आ रही है, डायरेक्ट सन ये ट्री पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या होगा, चलो यहाँ से हम लेयर स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट डेंसर, ऑब्वियसली ऊपर डेंसर मीडियम है, उसके कंपेरिजन में नीचे वाला लेयर जो है वो रेयर मीडियम है, ऊपर डेंसर ज़्यादा है नीचे रेयर होगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मीडियम चेंज हुआ ना, रिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। फिर डेंसर, उसके ऊपर वाले कंपेरिजन में नीचे वाला जो लेयर होगा ऑब्वियसली वो रेयरर होगा, ऊपर में डेंसर होगा, फिर ये डेंसर होगा, फिर ये रेयरर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अवे फ्रॉम नॉर्मल से और दूर हो जाएगा, फिर नॉर्मल से दूर होगा इस तरह से। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि किसी भी लेयर से रे ऑफ लाइट दूसरे लेयर में नहीं जाएगा, बल्कि उसी लेयर में वापस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस उस टाइम पर ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब देखेंगे क्या होगा, कहानी समझिए। तो ह्यूमन आई की ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट हो गए वापस, रिफ्लेक्शन की वजह से दो वापस कहाँ, ऑब्जर्वर के पास गया। तो ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि रे ऑफ लाइट, हमेशा ह्यूमन आई परसीव ये करता है कि रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक्चुअल में वो होता भी है। तो यहाँ ऑब्जर्वर को लगेगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो वहाँ से आ रही है, यहाँ से। एक्चुअल में इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इट मीन्स कि इसको ऑब्जर्वर को लगेगा रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है इस तरह से, यहाँ से आ रही, सॉरी ऐसे बनाना था। तो यहाँ इसका क्या बनेगा, छाया बनेगा, ठीक है। यही कारण है कि हमें रेगिस्तान एरिया में, मतलब गर्म वाले भाग एरिया में हमें जो उसका छाया दिखाई देता है, या रोड पे आपको सड़क पे पानी दिखाई देता है, ये मिराज के कारण। अब मिराज ऐसे ही बनता है। आई होप का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको रेगिस्तान वाला इमेज दिखा देता हूँ आपको, अब चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। मिराज बनने का मेन कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये होने के लिए कम से कम दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या, कि रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम में आना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
हर एक लेयर पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। हम एक वीडियो बनाए थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, एक बार जरूर आके वहाँ देखें। तो टी आई होने के लिए दो होना चाहिए, डेंसर तो रेयर में रे ऑफ लाइट पास होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तभी हमें मिराज दिखाई देगा, कभी इस ट्री का प्लांट का हमें परछाई दिखाई देगा। यह सड़क वाले एरिया पे हम दूर से देखते हैं काफ़ी गर्मी के समय में, तो हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो हमें पानी महसूस नहीं होता है। आई होप आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह से और भी सारे साइंस के जो इन्फॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट होगा वो आपके लिए लाता रहूँगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिले, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छूट ना पाए। चीज़ों को प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली, चीज़ों को प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों चीज़ से हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच।